हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। इसी के तहत आज हम तीन स्टॉक हैं, इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे इनमें कैसा जो है मूव रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर्स से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है तीन जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ई एम ए 200, 13 और 50 का। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर इसको वनडे के चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये 200 ईएमए के काफ़ी क्लोज है और यहाँ से ये जो है ऑलमोस्ट यहीं से ये हो सकता है यहीं से रिटर्न ले ले, नहीं तो ये यहाँ पे अगर बाई करें और इस पॉइंट तक आपको जो है इस पर स्टॉप लॉस रखना है। इससे जैसे ही ब्रेक होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। और फ्रेंड्स, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो फिर काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो आप प्रीवियस लेवल देख रहे थे तो ऑलमोस्ट वही आपको जो 500 वाला लेवल है यही आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं और वेट करना है कहीं ये लाइन इसको कट ना करे। और यहाँ तक आप एवरेज भी कर सकते हैं अगर ये थोड़ा डाउन आता भी है तो, बट ये जो है यहाँ से रिटर्न जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस खुद करना है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ आपको, एनालिसिस करके इसमें जो है बाई करना है। और आज के दूसरे स्टॉक को देखते हैं फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा स्टॉक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अभी ट्रेड कर रहा है 54.14 पे। और फ्रेंड्स, यहाँ से अगर ये जैसे ही रिटर्न जाता है तो इसमें भी 10-12% ईजिली जो है प्रॉफिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बट आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे इसने ये लो बनाया था, ये इसका लो आप देख सकते हैं 52 का है और ये भी 52 का है, यानी दोनों जो है टॉप और ट्विजर बॉटम का एक वीडियो बनाया था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब दो सेम पॉइंट अगर लो बनते हैं तो उसके बाद जो है ये ट्रेंड चेंज होने के चांसेज रहते हैं। और यहाँ से जो है ये बॉटम में बन रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांस बन जाते हैं। और अगर ये टॉप में बनते हैं, यानी डे जो दो कंटिन्यू टू डेज का हाई अगर सेम आ जाए तो उसके बाद जो है स्टॉक के गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी वीडियो को आप एक बार फिर देख लीजिए, ट्विजर टॉप के नाम से है। तो यहाँ पर ये ट्विजर टॉप बन रहा है और यहाँ से इसके जो है ऊपर जाने के काफ़ी चांसेज हैं। तो आप इसमें जो है प्रीवियसली भी कुछ मोमेंट आप एनालिसिस करके इसमें बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा व्यू है, मैं किसी स्टॉक को बाई सेल करने की जो है आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो आज का तीसरा स्टॉक देखेंगे फ्रेंड्स, ये आज का थर्ड स्टॉक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसका क्लोजिंग था फ्राइडे का, तो इस लाइन से ऊपर हुआ है, यानी 50 और 13 ईएमए से ऊपर है और 200 तो काफ़ी नीचे है। तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 200 ईएमए है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि ना के बराबर चांस है, नीचे तो नहीं जाएगा। बट यहाँ पे इसको इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये जो हाई था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और इसका हाई देख सकते हैं 123 का था, तो यहाँ हो सकता है इसको जो रेजिस्टेंस मिल जाए। बट यहाँ से जैसे ही क्लियर करेगा, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस पॉइंट पे इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिला था, इसका हाई देख सकते हैं 122 था और ये जो हाई है 123 था। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसके जो है इस बार ब्रेक होने के चांसेज हैं। और जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जैसा मैं स्विंग ट्रेडिंग में बताता हूँ, 10-12% के रिटर्न इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो इसका वेट भी कर सकते हैं, ये जो है ब्रेक होने के बाद भी बाई कर सकते हैं। और अगर आप कुछ अमाउंट अभी बाई करते हैं और उसके बाद ब्रेक होने के बाद बाई करते हैं तो आपके जो हैं प्रॉफिट के परसेंटेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आज के तीन स्टॉक। तो इन स्टॉक को आपको जो है थोड़ा एनालिसिस करना है और ये मेरा व्यू था। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अगर रियल में आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।